लेकिन उनको मैं यार देखो मैं मुस्तकिल हैसियत में ना चले जाए और वहाँ से वीलॉग मुस्तकिल ना आना शुरू हो जाए, तो मुस्तकिल ही कर रहा हूँ यहाँ पे भी कौन सा मैं वक्फे के साथ कर रहा हूँ, दो वीलॉग करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर जाके आदिल राजा बन जाएगा अगर बाहर चले जाए, आपको लगता है आदिल राजा की ट्रेनिंग किसने की है, किसने की है मेरे से पूछना, साबिर शाकिर का पूछो, मेरे से पूछना किसी साफी का पूछो, आदिल राजा का उनसे पूछो जिन्होंने ट्रेन किया उसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन आदिल राजा के मुतालिक सवाल पर इमरान रियाज भी बोल पड़े। नाजरीन ये गुफ्तगू सुने, इसके बाद इस पर तफसील से बात करते हैं। भाई एंटी करप्शन पंजाब का आपसे क्या है मामला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये रखा गया है दोबारा से। मैं तो किसी सरकारी पोस्ट पे कभी रहा भी नहीं, और ये मुकदमे की दुर्गत बन गई थी वहाँ पे, पूरी अदालत एंटी करप्शन वालों पे हंस रही थी। डीजी को जज ने दो दफा बुलाया, वो आए नहीं, यानी कोई आदमी भी इसमें पेश होने के लिए और सामने आकर इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था। और एंटी करप्शन का हमला मेरे से बाकायदा मादरत कर रहा था बार बार कि खान साहब हम मजबूर हैं, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया हुआ है, वरना हमें पता है कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कभी किसी सरकारी अहदे पे भी नहीं रहा। इमरान भाई ये बता दें, हुकूमत को क्या खतरा है अगर आप बाहर शिफ्ट हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं? ये तो हुकूमत बता सकती है कि हुकूमत को क्या खतरा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर भी इमरान रियाज हूँ और बाहर भी इमरान रियाज हूँ और वापस आके फिर इमरान रियाज हूँ। पहले मैं कई दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ, इवन मुझे ऑफलोड किया गया और मैं दोबारा गया, फिर वापस आ गया, मुकदमा थे वापस आया, फिर मुकदमे लड़े, फिर गया, फिर वापस आ गया, तो ये तो रूटीन है, आप ट्रैवल करते रहते। ये ज़रा हज वाला मामला इसलिए थोड़ा हसास है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा चला जाऊँ, टाइमली चला जाऊँ, हज कर दूँ। अच्छा, तो कोई इमरान रियाज साहब आज आप चीफ साहब के सामने पेश हुए, तो क्या लग रहा है चीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या फिर जो कानूनी मामला को अगर देखें, इस अदालत ने फैसला दिया था मेरे हक में और अदालत ने साफ कहा था कि इनको रवाना किया जाए और इनका नाम तमाम लिस्टों से निकाला जाए, उसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया गया। अब वो मुझे रोक रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, तो ये तो अदालत के फैसले पे इंप्लीमेंट का मामला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर इंसाफ उसी तरह मुझे देंगे जो इंसाफ का तकाजा है। कोई भी आज़ाद नहीं है, सबको पता है कोई भी आज़ाद नहीं है, सारे बंधे हुए हैं बेचारे, हाथों पैरों से बंधे हुए हैं, जबान से बंधे हुए हैं, दिमाग और सोच से बंधे हुए हैं, बहुत बुरी तरह कैद में है बेचारे। कोई आपको ऑफर दी जाती है कि आप बाहर ना जाएं किसी तरफ से? कोई नहीं, नहीं कौन ऑफर देगा, किसकी जरूरत है, कोई हुकूमत या कोई और? नहीं नहीं कोई नहीं, कोई ऑफर नहीं, मुझे कौन ऑफर देगा बाहर जाने की? ऑफर देगा जो मुझे देगा, मैं कहूँगा जान दे बाहर ना जाएं, आप बाहर ना जाएं। नहीं, बाहर ना जाने की तो ऑफर हो ही नहीं सकती, वो तो ये रोक दिया उन्होंने, वो तो ताकत के जरिए रोका अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से। इमरान भाई एक दफ़ा अदालत फैसला देती है, उसके बाद जब तक तोहीने अदालत का नोटिस नहीं जाता उस वक्त तक अमल दरामद नहीं होता। मैंने तोहीने अदालत का नोटिस, तोहीने अदालत की कार्रवाई के लिए भी अदालत में पटिशन दायर की है और एक नई पटिशन भी दायर की है, और मैंने पहले से बताया कि कौन कौन से मुकदमा था, सारी तफसीलात भी अदालत में दी हैं, और ये भी बताया कि मुमकिन तौर पर फर्दर ये क्या कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को देख कर मुझे लगता है अदालत एक ऐसा मरबूत फैसला दे जिसकी बुनियाद पर फिर हज के रस्ते में रुकावट ना डल सके। इमरान भाई जो मुझे लग रहा है वो ऐसा है कि शायद जिन लोगों ने आपको पहले गिरफ्तार किया था वो चाह रहे हैं कि आप इस मुल्क में ही रहें, किसी भी तौर पर आप बाहर ना जाएं, अगर खदाना खास आप बाहर चले गए तो आपका जो वीलॉग है वो मेरा ख्याल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर बाहर से होकर वीलॉग। मैं कितनी दफ़ा बाहर गया हूँ, मैंने बाहर जाके वीलॉग्स किए हैं, पहले भी किए हैं, बहुत किए हैं, निकाल के देख लें क्या फ़र्क है। मैं पाकिस्तान में भी यही हूँ, बाहर भी यही हूँ, लेकिन उनको लगता है मैं यार देखो मैं मुस्तकिल हैसियत में ना चले जाए और वहाँ से वीलॉग मुस्तकिल ना आना शुरू हो जाए, तो मुस्तकिल ही कर रहा हूँ यहाँ पे भी कौन सा मैं वक्फे के साथ कर रहा हूँ, रोजाना दो वीलॉग करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर जाके आदिल राजा बन जाएगा अगर बाहर चले जाए, आपको लगता है आदिल राजा की ट्रेनिंग किसने की है, किसने की है मेरे से पूछना, साबिर शाकिर का पूछो, मेरे से पूछना किसी साफी का पूछो, आदिल राजा का उनसे पूछो जिन्होंने ट्रेन किया उसको। अच्छा ये मामला हाई कोर्ट में आ गया मेरी इत्तला के मुताबिक, और कियानी साहब की अदालत में शायद लग गया है। नाजरीन इकराम, इमरान रियाज खान साहब को हज पर नहीं जाने दिया जा रहा, उनका नाम बार बार ECL की लिस्ट में डाल दिया जाता है, अदालती अहकाम के बावजूद भी उनका नाम एक बार निकाला और दोबारा से फिर ECL की लिस्ट में डाल दिया गया।
नाज़रीन आज ये गुफ्तगू सुनी आपने, एक सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान रियाज साहब से कि आप जो है बाहर अगर चले जाते हैं तो कहीं बाहर जाकर वापस ना आएँ या वहाँ जाकर आदिल राजा बन जाएँ कहीं, ऐसा तो नहीं? तो नाज़रीन उस पर भी इमरान रियाज साहब ने कहा कि आप मुझसे अगर सवाल करते हैं तो किसी सहाफ़ी के बारे में पूछें, साबिर शाकिर साहब के बारे में पूछें, और किसी सहाफ़ी के बारे में पूछना आप वो पूछें, आदिल राजा के बारे में आप उनसे जाकर पूछें जिन्होंने उसकी ट्रेनिंग की है। नाज़रीन आपके ख्याल में अब आदिल राजा साहब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो में। और नाज़रीन इसके अलावा एक बात, आप सब दुआ करें कि इमरान रियाज साहब को हज पर जाने की इजाज़त मिल जाए और वो इस बार हज कर सकें। बहुत दफ़ा उन्होंने कोशिश की लेकिन मुश्किलात के बायस नहीं जा सके। नाज़रीन मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।